यमुनानगर के मुकानपुर गांव में डायरिया फैलने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और एक शख्स की मौत हो चुकी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारी और अधिकारी गांव में बीमार लोगों की देखभाल और फैलते डायरिया को कंट्रोल करने में जुटे हैं। यमुनानगर जिले के गांव मुकरामपुर के लोग इन दिनों डायरिया नामक जानलेवा बीमारी से सहमे हुए हैं। गांव में 121 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। डायरिया के बढ़ते प्रकोप की वजह से स्वास्थ्य और पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों ने गांव में डेरा डाल दिया है। विभाग गाँव के हर व्यक्ति की जाँच कर रहा, तो दूसरी तरफ बढ़ते डायरिया के कारण का पता लगाने में भी जुट गया। गाँव में सप्लाई हो रहे पीने के पानी की लाइन को जाँचा परखा जा रहा और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पीने का पानी इतना जहरीला क्यों हो गया है। यही जी डायरिया बीमारी फैल रही है जी। तो क्या कुछ नुकसान हुआ है इसमें से? नुकसान तो जी एक मौत हो गई है। कितने लोग हैं बीमार? बीमार तो जी बस 75% पड़ा जी गाँव बाहर। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 दिनों से गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। उन्हें उल्टी और दस्त लग रहे हैं, जिससे शरीर में पानी की मात्रा कम होने से उन्हें नजदीकी अस्पताल में भी भर्ती कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहली बार इतने लोग बीमार हुए। हमने डायरिया का नाम सुना था, लेकिन इतना जानलेवा होता है ये नहीं पता था। जहाँ लगभग जी दो अगर वहाँ लगे पानी जेरा वही सब बीमार हॉस्पिटल में जाए कल कोई आता नहीं है। जो कहने लगा 75% घुमा दे हॉस्पिटल में दाखला प्राइवेट टा मजन पर 2 रुपए भी नहीं है। वो में यही टटियां उल्टियां की प्रॉब्लम है जी। पानी की कमी से लाल कुछ बाल क्लियर नहीं हुआ जी। टेस्ट गए कल, सैंपल लिए पब्लिक हेल्थ वाले ने भी लिए, इन्हें डिपार्टमेंट ने भी लिए, जो हेल्थ के डिपार्टमेंट है इन्हें भी उसके सैंपल लिए कल। आज इसकी वो रिपोर्ट आएगी वो किस वजह से, मतलब पानी की कमी से है, लीकेज की कमी से है, क्या कोई गलत चीज चली गई पानी के अंदर, जहर भी हो सकता है, कोई डल जाए, कोई सांप कुछ, क्योंकि बहुत ही टोटियां थी जो खेतों में खुली पड़ी, उनको पहले भी बोला भी अपने टोटियां ठीक कर लो, पब्लिक आए मानती नहीं आगी। फिलहाल स्वास्थ्य और पब्लिक हेल्थ विभाग डायरिया को रोकने का प्रयास कर रहा, साथ ही बीमार लोगों के जल्द स्वस्थ होने के लिए भी सभी बंदोबस्त करने में जुटा है। टोटल टीवी के लिए यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।